हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में। बिहार सरकार की बड़ी बहाली है, जैसे कि आप सबों को पता है। पद कार्यपालक सहायक और योग्यता इंटर पास है, जो पंचायत स्तर का यह बहाली है और यह बहुत बड़ा बहाली है। सूबे की पंचायतों में बहाल होंगे 8067 कार्यपालक सहायक। जैसे कि यह आम तौर पे देखा जाए तो बिहार सरकार का ये बहुत बड़ा तोहफा है बिहार के छात्रों के लिए, जो मैट्रिक इंटर पास है और आप लोगों को पंचायत में ही जॉब करना पड़ेगा। पटना ब्यूरा, राज्य के लोगों को अब अपनी पंचायतों में ही जाति, आवासीय आय और आचरण प्रमाण पत्र मिल जाएंगे और पंचायती राज विभाग शीघ्र ही ग्रामीणों को लोक सेवा केंद्र के जरिए पंचायतों में ही ये सुविधा मुहैया कराएगा। इन प्रमाण पत्रों के लिए गांव के किसी व्यक्ति को आप लोगों को यह एक बहुत बड़ा अवसर और तोहफा दिया जाएगा। जैसे कि 4050 सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर CHO की बहाल होंगे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत NHM के तहत इनकी बहाली होंगे। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और पहुंचाने में सहायता मिलेगी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक के अंतर्गत आप लोगों को बहुत ही बड़ा एक प्रकार का तोहफा दिया जाएगा और 25,000 मासिक मानदेय व 15,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पे आप लोगों को दिया जाएगा। यह प्रक्रिया आप सबों के बीच, जैसे कि कहा जा रहा है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से प्राप्त डिग्री की मान्यता होगी और 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को किया जाएगा और EWS उम्मीदवार को 500 रुपये एवं बिहार निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला आवेदकों को 250 रुपये शुल्क देना होगा, ऑनलाइन भुगतान करना होगा और CH के अंतर्गत आप लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है। यह 3 मार्च तक आवेदन होगा। जैसे कि आवेदन के पद धारण करने से पूर्व आप लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है और सीट पर आपको 3600 अभ्यर्थियों के लिए CDPO एक सीट पर 3600 अभ्यर्थी के बीच ही आपको यहाँ पे संघर्ष किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा तोहफा आप लोगों के बीच निकल के आ चुका है। और बिहार सरकार प्रत्येक कई न कई महीनों आप लोगों को वैकेंसी का प्रक्रिया देते ही रहता है। छात्र छात्राएं से अनुरोध है कि अगर आप पहली बार हैं, अगर आप बिहार में जॉब पाना चाहते हैं या अन्य राज्य का जॉब पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने का काम कीजिए और आप भी अपने पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर और गाँव स्तर का जॉब पाना चाहते हैं तो मेरे एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना का प्रयास करें। मैं हमेशा आप लोगों के बीच एक नई जानकारी लेके आता हूं। जैसे कि यहां पे बताया जा रहा है अभिषेक कुमार के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग की कई प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतियोगिता के बीच कड़ी आप लोग को मेहनत करना पड़ा है और तब जाके आपको BPSC की ओर से 26 फरवरी को आपको LNDO की परीक्षा के अंतर्गत आपको बहुत बड़ा 60,000 छात्रों ने आवेदन किया है। इसमें पदों की आप लोगों की बात की जाए तो बहुत बड़ा है और पर 25,000 छात्रों के बीच सीधी टक्कर होनी चाहिए, जैसे कि आपको यहां पे दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो भी टर्म कंडीशन है वो मेरे एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते रहे और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच एक संशोधित रिजल्ट जो भी आए, वो जो भी छात्र देता है उसको सही एक दिशा निर्देश के तौर पे मिलना चाहिए। हमेशा अपडेट अगर आप लोग रहते हैं तो कल का जो वीडियो वैकेंसी का निकला हुआ था, उसी तरह का यह वैकेंसी आप लोगों के जोरों शोरों से बहुत ही चौंका देने वाली बात है। दोस्तों, मेरे उतना भी भर जाता नहीं, फिर भी मुझे निराश नहीं होना है। मुझे तो काम करना है, चाहे 1 रुपये मिले चाहे 2 रुपये मिले, लेकिन आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहा तो मैं भी एक दिन मंजिल पे पहुंचूंगा और आप लोगों को कुछ बन कर दिखाऊंगा। वो आपके सहयोग से होगा, आप चाहेंगे तब होगा। तो आप लोग
प्यार देते रहें और इस छोटे भाई को आशीर्वाद देते रहें जो भी वैकेंसी के तौर पे आता है, मैं आप लोगों तक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।